मॉर्निंग फर्स्ट क्लास बेटा, ये हमारी वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको करके दिखाया हुआ है और बाकी क्वेश्चंस हमें खुद करने हैं। बाकी के 11 क्वेश्चन। अ बॉय हैज 2 ईयर, 4 बॉयज हैज, यानी एक बॉय, एक के बारे में पूछा है, ज्यादा के बारे में आपको, सॉरी एक के बारे में दिया है और ज्यादा के बारे में पूछा है, तो मल्टीप्लाई होगा। यानी एक बॉय के पास 2 ईयर्स है, ठीक है, तो 4 बॉयज के पास कितने होंगे, तो 4 पहले लिखेंगे जितने बॉयज हैं, और हर किसी के पास 2 ईयर्स हैं तो 2 बाद में लिखेंगे, ठीक है, और आप करेंगे 4 2s are 8, तो 8 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अ गर्ल हैज 2 हैंड्स, 4 गर्ल्स हैव, यानी एक गर्ल के पास 2 हैंड है, तो 4 गर्ल्स के पास कितने हुए, यानी 4 तो गर्ल्स है और हर एक के पास कितने हैंड है, 2, तो 4 2s are कितना हो गया, 8, ठीक है। ऐसे ही आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अ पैकेट हैज 4 पेंसिल, यानी एक पैकेट है पेंसिल का जिसमें 4 पेंसिल हैं, देखो ये पैकेट है ना, तो ऐसे 4 पैकेट्स में कितने होंगे, यानी पैकेट्स कितने हैं, 4, और हर एक पैकेट में कितनी पेंसिल हैं, 4, तो 4 4s are 16 पेंसिल हो गई, ठीक है, 16 पेंसिल हो गई। अ हैंड हैज 5 फिंगर, यानी एक हाथ है जिसमें 5 फिंगर्स है, 5 फिंगर्स है, तो 2 हाथ में कितने हो गए, देखो 5 + 5 कितने हो गए, 5 × 2, दोनों एक ही चीज है, तो 5 × 2 मल्टीप्लाई करके आप खुद लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5th question, अ बॉल हैज 4 बॉल्स, यानी एक बॉल है, एक बाउल है जिसमें 4 बॉल है, 4 गेंदे हैं, तो 2 बॉल में कितनी होंगी, यानी बॉल कितने हैं, 2, और हर एक में कितनी बॉल्स हैं, 4, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अ टेबल हैज 4 लेग्स, 6 टेबल्स हैव, एक टेबल है जिसकी 4 लेग्स हैं, तो ऐसी 6 टेबल की कितनी लेग्स होंगी, तो 6 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, अ क्लॉक हैज 3 नीडल, यानी एक क्लॉक है जिसमें 3 नीडल, 3 सुइयां हैं, तो 4 क्लॉक के पास कितनी होगी, तो 4 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 4 3s are, यहाँ पर आप नीडल लिखेंगे कितनी हो गई। अ फैन हैज 3 ब्लेड्स, यानी एक फैन है जिसमें 3 ब्लेड है, ये ब्लेड होते हैं, ठीक है, तो 4 फैंस में कितने ब्लेड होंगे, तो 4 फैंस कितने हैं, 4, और हर किसी में कितने ब्लेड हैं, 3। अब ऐसे 9th question है, अ मैन हैज 2 आईज, एक आदमी के पास 2 आंखें हैं, तो ऐसे 5 आदमी के पास कैसे होगी, यानी 5 × 2 करो या फिर आप 2-2 करके ऐड करो, दोनों सेम है, ये हमने पढ़ा था पीछे, तो 5 मैन है और हर किसी के पास कितनी आईज है, 2, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, अ बाइसाइकिल हैज 2 व्हील, यानी एक बाइसाइकिल है जिसमें 2 व्हील्स हैं, तो ऐसे 3 बाइसाइकिल में कितने व्हील होंगे, तो 3 आगे और 2 पीछे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ आप आंसर करेंगे। अ काउ हैज 1 टेल, एक गाय है जिसकी 1 पूंछ है, ठीक है, तो ऐसी 4 गायें जो मिल जाएंगी तो कितनी पूंछ हो जाएंगी। अ बटन हैज 4 होल्स, एक बटन है जिसमें 4 होल्स हैं, 4 छेद हैं, तो ऐसे अगर 5 बटन्स हो गए तो कितने छेद हो गए, तो 5 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। इसी के साथ हमारे ये वाला पार्ट जो है मल्टीप्लिकेशन का खत्म होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको इन पिक्चर्स को देखना और इसके हिसाब से आपको फिलअप्स में अपना फिल करना है नंबर ऑफ व्हीकल, यानी 5 कार हैं, ठीक है, 5 कार्स हैं, तो इसके कितने व्हील्स होंगे, एक कार में कितने होते हैं, 4, तो 5 में कितने होंगे, तो 5 cars × 4, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 20 व्हील्स हो गए, ठीक है। 4 बॉयज के कितने हैंड्स होंगे, एक बॉय के कितने हैंड होते हैं बेटा, 2, तो 4 बॉयज के कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4 2s are कितने हो गए बेटा, 8 हो गए, कितने हो गए, 8। 2 स्कूटर, स्कूटर है यहाँ पर, व्हील आपको देखना है, स्कूटर कितने है, एक स्कूटर है, एक में 2 व्हीकल है, सॉरी 2 व्हील है, तो 2 स्कूटर में कितने व्हील हो गए, 2 ये हो गए और 2 और उसके, तो कितने हो गए, 2 × 2 = 4। 3 बाइसाइकिल है, बाइसाइकिल ये रही, तो इनके कितने व्हील्स होंगे, एक बाइसाइकिल में 2 होते हैं और 3 बाइसाइकिल में कितने होंगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 2s are 6। अब आगे देखो, 5 girls have - heads, हेड्स मतलब सर, ठीक है, अगर एक लड़की का एक सर है तो 5 लड़कियों के कितने हो गए, 5, यानी 1 × 5, ठीक है, तो 5 हो गए। 4 bicycles have - wheels, तो अगर बाइसाइकिल है ये, अगर 4 bicycles है तो कितने व्हील होंगे, ठीक है। 2 tricycles, यानी जिसके तीन पहिए होते हैं, जिसके 3 पहिए होते हैं, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये वाला जो है ये ट्राईसाइकिल है, तो एक के 3 पहिए हैं, तो 2 ट्राईसाइकिल के कितने व्हील होंगे। अब यहाँ पर 3 बॉयज हैं, ठीक है, हर किसी के कितने
ईयर होते हैं, कान कितने होते हैं? दो होते हैं। तो तीन बॉयज के कितने होंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे टू बॉयज है, इनके कितने फीट होंगे यानी पैर कितने होंगे? ठीक है, हर एक लड़के के कितने पैर होते हैं? दो होते हैं, तो दो के और कितने होंगे? ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज आपको यहाँ पर पूरी की पूरी फिल करनी है।